खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में पुलिस नाके पर की जा रही ट्रैकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के पास दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो वे भागने लगे। पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, तो तीन बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाश को ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही पुलिस ने दो मोबाइल, एक बाइक, एक तमंचा और 10,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पूछताछ में बदमाश ने दनकौर इलाके में 2 लाख की लूट समेत तीन घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूल ली है। बदमाशों के पास से बरामद हुए मोबाइल में एक मोबाइल 45,000 की लूट के मामले से जुड़ा हुआ है। पुलिस पकड़े गए बदमाशों के आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है, साथ ही फरार साथियों को जल्द गिरफ्तार करने की भी कोशिश कर रही है।